होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही हम मुसलमान हैं और हम अपने आज़ाद मुल्क में रहते और पाकिस्तानी कहलाते हैं। पाकिस्तानी होने की शनाख्त हमारा कौमी शनाख्ती कार्ड है, जिससे हम दुनिया भर में पहचाने जाते हैं, जिसको हासिल करना 18 साल से बड़े मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। हुकूमत पाकिस्तान ने कौमी शनाख्ती कार्ड हासिल करने के लिए नादरा के नाम से एक इदारा बनाया है। मैं हूं नौरीन राशिद और आज हम अपने प्रोग्राम में इसी इदारे के हवाले से बात करेंगे और जानेंगे कि आवाम को इनसे क्या मसाइल दरपेश हैं। तो जी नाज़रीन, इस वक्त हम लोग शारे कायदीन के एग्जीक्यूटिव सेंटर पर मौजूद हैं और आइए जानते हैं कि आवाम को यहाँ पे क्या मसाइल, आपको आवाम से क्या मसाइल और बात करते हैं। तो जी नाज़रीन, इस वक्त हम लोग अंदर मौजूद हैं और आइए, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे आवाम और स्टाफ अपने काम में मसरूफ़ हैं और हम लोग बात करते हैं रज़ा साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी तो ये बताइएगा, यहाँ पे जो आपके सेंटर में काम हो रहा है, जैसे कि बहुत रश है, सेंटर आपको छोटा तो नहीं पड़ता? नहीं जी, बिल्कुल छोटा नहीं पड़ता, क्योंकि एग्जीक्यूटिव सेंटर है, एग्जीक्यूटिव सेंटर में इतना रश नहीं होता। ये 200 हम अप्रॉक्सीमेटली 200-250 टोकन करते हैं दिन में और ये माशाल्लाह स्मूथ प्रोसेसिंग चलती है। ये थोड़ा बहुत 15-20 अफराद का रश होता है और ये क्यू फ्री होते हैं, इसमें क्यू लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें। तो पहले हम लोग आवाम से बात करेंगे, उनके मसाइल जानेंगे, फिर हम आपके स्टाफ से बात करेंगे। जी बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। अभी तक तो फिलहाल मुझे कोई मसले मसाइल पेश नहीं हुआ है। आपका जिस काम के लिए है वो आपसे आसानी से ये लोग कर रहे हैं? सही हुआ, अभी तक तो सही हुआ है सब। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, बताइएगा आपको सेंटर के हवाले से क्या मसला है? नहीं कोई मसाइल नहीं, माशाल्लाह सही हो रहा है, जल्दी से काम हो गया है, हम बहुत जल्दी फारिग हो गए हैं, सही टाइमिंग से फारिग हो रहे हैं। यहाँ पे क्या मसले मसाइल दरपेश हैं? ये मैडम 10 मिनट और काम में घंटे लगते हैं यहाँ, तो इसलिए क्या नाम है, तो बाहर सम्भवाली मैंने 10 मिनट में जो है ना काम, यहाँ अभी हम लोग आए यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे कितनी देर से बिठाया हुआ है? हमें 1 घंटा हो गया है जी। तो आपको क्या शिकायत है इनसे, इनके सेंटर से? इनकी ये तो आवाम ज़्यादा है, लोग कम बैठे हुए हैं, ये शिकायत है, लोग ज़्यादा होने चाहिए, जल्दी मसले लोगों के हल हों। सब छुट्टी करके यहाँ आते हैं, यहाँ तो कोई सुनता भी नहीं है, कानून तो नाम की चीज़ ही नहीं है इस मुल्क में, तो ये बात है मैडम। आइए चलते हैं, अब हम स्टाफ से बात करते हैं। इमरान, ये बताइएगा कि यहाँ पे आपको आवाम से क्या मसले मसाइल हैं? कोई मसले मसाइल नहीं है, बस परेशानी होती है आवाम को जब उनका कार्ड टाइम पे नहीं मिलता, बाकी तो कोई परेशानी नहीं होती है आवाम से। आप यहाँ क्या हैं एज अ? मैं एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर हूँ, यहाँ पे कार्ड सेंटर बैठा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, जो कार्ड इस्लामाबाद से प्रोसेस होकर आते हैं उनकी डिलीवरी के लिए बैठा हूँ। ये बताइएगा कि आपको यहाँ आवाम से क्या मसले मसाइल हैं? आवाम जो है हमारे जो है, हम जो भी डॉक्यूमेंटेशन उन्हें रिक्वायर्ड कर रहे होते हैं एज़ पर SOP, वो उसे अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। वे कहते हैं शायद हम उन्हें परेशान कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, तमाम चीज़ों के लिए डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो चीज़ें चाहिए होती हैं, उसके बगैर हम उन्हें डिटेन नहीं कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं। आपको यहाँ आवाम से क्या मसले मसाइल हैं? जी हमें आवाम से अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसले मसाइल नहीं है, हम तो आवाम की खिदमत के लिए यहाँ बैठे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इन्वायरमेंट हमने रखा हुआ है इस सेंटर में। और हमारे यहाँ जो अभी एग्जीक्यूटिव सेंटर का जो ये एक रुझान हमारे यहाँ चला है कराची में अल्हम्दुलिल्लाह और पूरे पाकिस्तान में, हमारे यहाँ कोई अप्रॉक्सीमेटली 30 सेंटर्स कराची में एग्जीक्यूटिव बन चुके हैं, जिसके बाद माशाल्लाह आवाम बहुत हद तक फैसिलिटेट होती है बड़े अच्छे तरीके से, अल्हम्दुलिल्लाह इन्वायरमेंट अच्छा है, क्यू फ्री इन्वायरमेंट है इसमें। हमारे हिसाब से हम कोशिश करते हैं कि आवाम की जितनी खिदमत कर सकें वो हम करें, और अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं। शुक्रिया। आपका नाम सना? सना, ये बताइएगा आपको यहाँ आवाम से क्या मसले मसाइल हैं, इस हवाले से कुछ बताइए। ये मसले मसाइल होते हैं जब अगर जो डॉक्यूमेंट हम रिक्वायर्ड करते हैं अगर वो हमें प्रोवाइड करते तो हमें कोई मसले मसाइल नहीं होंगे उनसे, और इसके अलावा? इसके अलावा कोई नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, आप लोगों ने देखा कि हमने यहाँ सेंटर में आवाम से बात की, आवाम को, कुछ आवाम को मसाइल हैं, कुछ लोगों को मसाइल नहीं है, और स्टाफ से भी बात करी उनको भी आवाम से ज़्यादा मसाइल नहीं है। खैर, हमारी दुआ है कि सेंटर इसी तरह अच्छे तरीके से काम करता रहे और आवाम को सहूलत मिलती रहे। नादरा के क़याम से पहले मुल्क भर में जो कौमी शनाख्ती कार्ड इदारे बनाते थे वह आवाम को महीनों इंतज़ार करना पड़ता था, इंदराज का तरीक़ेकार और कई एक मसाइल का सामना था। नादरा के क़याम में अमल में लाना क्या खुश आइन था? नादरा के क़याम और शनाख्ती कार्ड की अहमियत के बारे में आप क्या कहेंगे? नादरा 1973 में एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आई थी, उसमें उस वक़्त के जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने इसको इनिशिएट किया था, और उसमें एक अथॉरिटी का क्या किया गया था रजिस्ट्रेशन के हवाले से, जिसको रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कहते थे, और उसी को आगे स्मार्ट करते करते टाइम गुजरा तो 2000 में जाके इसको नादरा का नाम दिया गया,
बेसिकली जो बेस बनी वो 1973 में इसका काम किया गया, और एक मैनुअल कार्ड इशू होता था आपको याद होगा 74-75 में, आपको नहीं याद होगा, यू आर सो यंग। तो ये सिस्टम जो आगे डेवलप होता रहा। 2000 में ये नादरा बना, और उसके बाद 2005 में हमने बायोमेट्रिक्स सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस कराया, जिसमें फिर आपको थंब इम्प्रेशंस के साथ आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो की जाती थी। उससे पहले ये मैनुअल सिस्टम था, फॉर्म बेस्ड था। देखिए, जहाँ तक नादरा का ताल्लुक है, ये हमारी हुकूमत का बहुत बड़ा कारनामा था, और आज भी इस हुकूमत ने इसको, मौजूदा हुकूमत ने इसको कंटिन्यू रखा, जो इस बात की निशानदेही करता है कि जो हमारे ज़माने में, जो मुस्लिम लीग के पिछले दौर में जो ये जो नादरा का इदारा बनाया गया, तो उसकी बेस के ऊपर आपने देखा कि नेशनल कंसेंसस के बेस को जो डेटा कलेक्ट किया गया, उसमें आप देखें कि सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि अगर आप अंगूठा लगाते हैं और अंगूठे से जो है आप किसी भी जगह पे कोई क्राइम होता है या कोई किसी आदमी की जान पहचान या कोई मामला मालूमात करनी है, तो अगर आप अंगूठे के ऊपर उसके अंगूठे के फिंगरप्रिंट्स निकालते हैं तो आपको पूरा डेटा उसका मिल जाता है। और आप देखिए, कोई हादसा हुए हैं, अभी जितने भी हादसा हो रहे हैं, चाहे वो खुदकश हमलों से हों या एक्सीडेंट से हों, आप और जहाँ जो फजाई हादसा हुए हैं, जहाँ पर भी किसी का हाथ के निशानात मिले हैं फिंगरप्रिंट से, उनकी जो है शनाख्त हुई है। ये इंटरनेशनल सिस्टम है जो हमारे मुल्क में बहुत पहले आ जाना चाहिए था, और जो अब आया है और ये कंटिन्यूस चल रहा है, मैं समझता हूँ कि इसको चलना चाहिए, और इससे मुल्क का जो पूरा निज़ाम है और यहाँ के जो यहाँ पे जो लोग बसते हैं उनका हर लिहाज से डेटा जो है वो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम के तहत जो है वो जमा हो रहा है। आपने 36 साल रजिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन बतौर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार गुजारे, आप क्या समझते हैं कि पहले के सिस्टम में और अब के सिस्टम में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? देखिए, बेसिकली जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम है वो पहले जो था वो मैनुअल सिस्टम था, अब कंप्यूटराइज सिस्टम है, लेकिन ये सारा का सारा सिस्टम जो है अडॉप्ट वही किया हुआ है कि जो पुराना सिस्टम था। पहले भी ऐसे ही इलाके के जोन नंबर होते थे, जैसे कराची का 501 से शुरू होता था, अब कराची के 42201 से शुरू हो रहा है, इसी तरह से पहले नंबर थे। तो एज सच सिवाय ये कंप्यूटराइजेशन के कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हाँ, अब डेटाबेस बन गया है और सिस्टम कंप्यूटराइज हो गया ताकि आपको किसी चीज़ को ढूंढने में आसानी रहे। पहले मैनुअल था तो आप उसको मैनुअली ढूंढा करते थे। तो जी नाज़रीन, प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, मिलते हैं आपसे शॉर्ट ब्रेक के बाद। फराइज हैं कि आवाम को अगर कोई सहूलत दें और आवाम की बेहतरी के लिए कोई इकदामात किए जाएं, तो कम से कम इस सहूलत के हुसूल के लिए इतना तो बता दें कि किन किन मराहिल से गुजरना पड़ेगा। हुकूमत आवाम को सहूलत देती है जैसे नादरा, इस सहूलत के हुसूल के लिए आवाम को किन मराहिल से गुजरना पड़ेगा, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, रजिस्ट्रेशन जो एक ऐसा सेंसिटिव इशू है, आप अपने ह्यूमन बीइंग्स को रजिस्टर करना, और अब तक हम तकरीबन 95% ऑफ पॉपुलेशन को रजिस्टर कर चुके हैं, और इसमें 9 करोड़ से ज़्यादा लोग हमारे पास रजिस्टर हो चुके हैं, और इसमें आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट हो रही। जैसे मैंने आपको कहा था, 2005 से पहले मैनुअल सिस्टम था, 2005 में ये बायोमेट्रिक सिस्टम आया, तो इसको सिस्टमाइज तरीके से आगे चला रहे हैं हम। तो जितनी सहूलतें दे सकते थे, पहले आपको पता है डिस्ट्रिक्ट वाइज एक रजिस्ट्रेशन सेंटर होता था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास नादरा में हमारे पास 885 डेटा एक्विजिशन यूनिट्स हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं राउंड द क्लॉक। तो कोशिश कर रहे हैं कि हम मैक्सिमम लोगों को फैसिलिटेट करें और कस्टमर केयर की तरफ तवज्जो दें, और जो टेक्निकल इशूज़ हैं उनको रिजॉल्व करके हम लोगों के लिए बेहतर सर्विस दे सकें। तो हर आदमी के पास कार्ड है, हमारा जो जो क्लाइंटेज है या हमारे जो कस्टमर्स हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा कस्टमर्स हैं, तो ज़ाहिर है प्रॉब्लम्स भी उसी हिसाब से होते हैं। अगर ये 1% भी आप देख लें तो कितने परसेंट बढ़ जाता है। तो एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये दुनिया का सबसे बड़ा डेटाबेस सिस्टम है जो कि पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह है,
और इसको सक्सेसफुली रन किया जा रहा है। बड़ी सही बात की, मोबाइल शनाख्ती कार्ड का हमारे ज़माने में उसका निज़ाम को चलाया गया, और जहाँ कहीं भी जैसे गांव हैं या दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पे नादरा का ऑफिस नहीं है, वहाँ पे मोबाइल वैन्स भेजी गई। लेकिन उसको जो है लोगों, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि पाकिस्तान में को पता है कि यहाँ लोग ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनको शनाख्ती कार्ड की अहमियत का एहसास नहीं है। लेकिन जो वक्त गुजरता जा रहा है, लोगों को एहसास होता जा रहा है कि बगैर शनाख्ती कार्ड के लिए उनके लिए बहुत सारे मसाइल हैं, ना वो जायदाद दे सकते हैं, ना वो पासपोर्ट बना सकते हैं, ना वो कोई यहाँ तक एयरलाइन के टिकट लेने जाए तो उसमें भी शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत होती है। तो पाकिस्तान के दुनिया के तमाम कौमों में एक सिस्टम बनता है कि वो है कि आप जो है वो शनाख्ती कार्ड जो है या उसका मुल्क का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है वो वेरीफाई करता है कि आदमी कहाँ का है, रहने वाला है, क्या एड्रेस है। तो जब लोगों को चाहिए भी यही, नादरक को भी चाहिए ये कि इस वक्त जो है वो आवाम के अंदर जो है इस बात की अहमियत बताएं कि शनाख्ती कार्ड कितना ज़रूरी है आम शहरी के लिए। और जहाँ तक मोबाइलों का ताल्लुक है कि जितना ज़्यादा हो ये मोबाइलों को दूर दराज के इलाकों में और गाँव में भेज कर ना सिर्फ ये कि एडवर्टाइजमेंट की जाए उसकी शनाख्ती कार्ड की अहमियत की, बल्कि उनको अवेयरनेस दी जाए पब्लिक उस्तादा के ज़रिए या दूसरे लोगों के ज़रिए कि शनाख्ती कार्ड की अहमियत कितनी ज़रूरी है। जब ये रजिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन से नादरा बना तो उस वक्त नादरा के सेंटर्स खुले, आप क्या समझते हैं कि किन तकलीफ़ों का सामना हुआ? हाँ जी, उसमें हुआ ये कि जब हमारा रजिस्ट्रेशन से नादरा बना तो एक तो हमें कराची के ऐसी जगहों के ऑफिस लेने में बड़ी दिक्कत हुई कि जो हमारे लिए ज़्यादा मुफीद थे, जैसे कि शाहराह फैसल पर हमें अवामी मरकज़ बहुत मुश्किलों से मिला, फिर हमने गुलशन में चाहिए था तो गुलशन का सेंटर खुला। तो उस वक्त तक क्योंकि नया महकमा बना था तो लोग अपनी प्रॉपर्टी किराए पे देने में ज़रा सा हेजिटेट करते थे, क्योंकि एक सरकारी महकमे को जब देते हैं तो वो उनको ख्याल ही होता था कि ये शायद जगहें खाली नहीं होंगी। लेकिन बाद में लोगों का ये ख्याल जो था वो बदल गया और फिर इस तरह से हमारे कराची के बहुत सारे सेंटर्स हमने खोल लिए। नादरा के क़याम के बाद कंप्यूटराइज शिनाख्ती कार्ड का हुसूल मुमकिन हुआ, जो कि काबिल सताइश काम है। इसकी बदौलत पाकिस्तान का नाम बुलंद और पहचान मजबूत हो रही है। नादरा के क़याम के बाद बैरूनी मुल्क में शिनाख्ती कार्ड की कितनी अहमियत है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, आजकल जो शिनाख्ती कार्ड है, जिसको आप आईडी कार्ड या आईडी आइडेंटिटी कहते हैं, वो हर एक के साथ कनेक्टेड है। बेस जो है वो डेटा है आपका, उसी में आपके बैंक अकाउंट्स, आपकी ट्रैवलिंग, आपके बच्चों के एडमिशन्स, आपके और जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं, बाकी जितनी भी प्रिविलेजेस आपको मिलती हैं या जो भी आपने आगे फ्लरिश करना है, तो आपको उसके लिए डेटा की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरह हम बैरूनी मुल्क जो पाकिस्तानी हैं उनको नई कार्ड बना के देते हैं, नेशनल आईडी कार्ड फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज, और उन जब वो उस पर ट्रैवल करते हैं तो उनको वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है। और उसके बाद हम POCs बना के देते हैं, पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड, ये जो वो लोग जो फॉरनर्स के साथ शादी करते हैं, फॉरेन स्पाउसेस जिनके हस्बैंड या वाइफ हैं, उनको प्रिविलेज देते हैं हम कि वो पाकिस्तान के डेटाबेस में आएं और उनको जो पाकिस्तानीज़ को फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो प्रॉपर्टी ले सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, बच्चों का एडमिशन्स करा सकते हैं, बैंक अकाउंट्स रखते सकते हैं। तो POCs हम इशू करते हैं। हमारा 16 मुल्कों के साथ ड्यूल नेशनैलिटी कॉन्ट्रैक्ट है, ड्यूल नेशनैलिटी हम उनके साथ POCs इशू करते हैं। और कुछ पाकिस्तानी जो अपनी नेशनैलिटी रोनन्सीट कर देते हैं, छोड़ देते हैं नेशनैलिटी, पाकिस्तानी से छोड़ के वो फॉरेन नेशनैलिटी ले लेते हैं, जिधर ड्यूअल नेशनैलिटी नहीं है तो उनको भी हम POC देते हैं। तो ये फॉरनर्स जो फॉरेन पाकिस्तानी हैं उनको हम हेल्प करते हैं। और मुख्तलिफ मुल्कों में अब रिसेंटली हम ये सिस्टम जो है इन्हांस कर रहे हैं, इंग्लैंड में, सऊदी अरब में, दुबई में, मिडल ईस्ट जितना है उसमें, और मुख्तलिफ मुल्कों में अभी रिसेंटली हमने ये स्मार्ट कार्ड के थ्रू हम पाकिस्तानियों को फैसिलिटेट करेंगे। देखिए, बैरून मुल्क भी यही अहम है
अहमियत है। पाकिस्तान में 1973 के अंदर शनाख्ती कार्ड आ गया था, उस ज़माने में हाथ से लिखा जाएगा था ये, और आहिस्ता आहिस्ता ये फिर कंप्यूटराइज हुआ और नादरा बनी। और ये ही निज़ाम जो है पाकिस्तान का जो है पाकिस्तानी सफारतखानों में है, और मुल्क जब भी एक जो वो अकवाम जो कि जिनका सिविल सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा मकाम है, उनके साथ हम, मैं समझता हूँ उनके बराबर जा पहुँचे हैं। तो शनाख्ती कार्ड की वजह से आपकी एक बड़ी शनाख्त है और आपका एक डेटा जो है वो हर जगह मौजूद है। कोई जाली बंदा किसी सफारत खाने में जाके ये नहीं कह सकता कि मैं पाकिस्तानी हूँ, उसको अपनी शनाख्त कराने के लिए शनाख्ती कार्ड देना ज़रूरी है। वो शनाख्त देगा तो उसका पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है रिन्यू भी होगा, उसके हिसाब से उसको नया पासपोर्ट भी बन सकता है। तो ये शनाख्त तो इसके बगैर तो मुमकिन नहीं है, NIC के बगैर मुमकिन नहीं है अब रहा कि कोई आपको पाकिस्तानी जो हुकूमती जो सिस्टम है जिसमें प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन से लेके गाड़ियों से लेके शनाख्त पासपोर्ट से लेके हर चीज़ के लिए शनाख्ती कार्ड बहुत ज़रूरी है। और आवाम को चाहिए को शनाख्ती कार्ड को अगर उनका एक्सपायर है तो उनको रिन्यू कराना चाहिए, और अगर नहीं बनाए तो उनको बनाना चाहिए। नादरा के क़याम के बाद शनाख्ती कार्ड की अहमियत बैरूनी मुल्क में अब और पहले क्या थी? अहमियत तो पहले भी वही थी जो अब है। पहले भी शनाख्ती कार्ड की बुनियाद के ऊपर पासपोर्ट बना करते थे, अब भी ऐसे ही सिस्टम है। अब इसलिए ज़्यादा हो गया है कि अब आपका अगर जब कार्ड खोता है या कार्ड अपने आप बनवाते हैं तो उसके अंदर वक्त लगता है, 2 महीने 3 महीने लग जाते हैं ओवरसीज़ के लिए, तो लोग उसको अब ज़्यादा एहतियात से रखते हैं। बाकी अफादियत और अहमियत तो जो पहले थी उस कार्ड की और इस कार्ड की, तो उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो जी नाज़रीन प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, मिलते हैं आपसे शॉर्ट ब्रेक के बाद। जहाँ हुकूमत के खुशाइन इकदामात नादरा की शक्ल में मौजूद हैं, मगर वहाँ बहुत से मसाइल मुसलसल दिखने में आ रहे हैं। शनाख्ती कार्ड का वसूल आज भी इतना ही मुश्किल है जितना नादरा के क़याम से पहले था। देखने में ये भी आया कि बाज़ औक़ात गफलत, लापरवाही से नाम, कभी वल्दियत और कभी तारीख पैदाइश गलत इंदराज कर दिया जाता है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जैसे मैंने पहले कहा नूरीन के ये सबसे बड़ा डेटाबेस सिस्टम है पाकिस्तान के पास, और हमारे पास जो सिस्टम है अल्हम्दुलिल्लाह ये दुनिया में और फिलहाल किसी के पास नहीं है। लोग इस तरफ आ रहे हैं, तो पहले लोगों को इस कार्ड की अहमियत इतनी नहीं पता थी तो इसलिए मसाइल कम थे। अभी क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हर जगह पे इस कार्ड की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें थोड़े बहुत मसले आते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसको सिस्टमाइज तरीके से हम कोशिश करें, रिजॉल्व करें, और ताकि लोग जो हैं कम से कम उनको प्रॉब्लम हो। जो 2005 से पहले के कार्ड बने हुए हैं जो कि अभी रिन्यूअल में आ रहे हैं उनमें प्रॉब्लम्स हैं, वो एक्चुअली फॉर्म बेस्ड बने हुए हैं। तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता जब वो बायोमेट्रिक्स पे आ रहे हैं तो बायोमेट्रिक्स में 2 कार्ड नहीं बन सकते, तो उसमें ये है कि अभी जो आइंदा मॉडिफिकेशंस में लोग आएंगे उनको प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि अब हम को बड़ी सख्त तकालीफें हैं। नादरा का सिस्टम बिल्कुल उसी तरीके से चला गया जिस तरह किसी ज़माने में हाथ से शनाख्ती कार्ड लिखा जाता था। ब्यूरोक्रेसी का बड़ा अमल दखल है और यहाँ पे नाजायज लोगों को तंग किया जाता है, ख़ास तौर से वो लोग जो कि दूसरे शहरों से किसी दूसरे शहर में आ जाते हैं पाकिस्तान के, तो उनके शनाख्ती कार्ड बनाए नहीं जाते। पख्तूनों के शनाख्ती कार्ड के ऊपर बड़ा जो है वो आप देख रहे हैं कि किसी का खान नाम लग गया उसका शनाख्ती कार्ड ही नहीं दिया था। बहुत सारे लोग जहाँ मशरक़ी पाकिस्तान से जहाँ आए उनके शनाख्ती कार्ड बनाने में तकालीफ दी गई हैं। वो लोग जो बंगाली लोग जो कि पाकिस्तान से यहाँ से नहीं गए और पाकिस्तानी बंगाली कहलाते हैं, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी बंगाली कहलाते हैं, उनके शनाख्ती कार्डों को भी रुकावट की गई है। तो मैं समझता हूँ कि जदीद तौर पर जदीद तरीके से उसको जो है इस्तवार करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और हम इस बात की हुकूमत से अपील करते हैं कि जो बेजा रुकावटें उन्होंने कौमियतों की बुनियाद पर शनाख्ती कार्ड नादरा के दायरे ने पैदा कर दी हैं तो उसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए, और ऐसे ही ब्यूरोक्रेसी, ऐसे लोग जो इसके अंदर रास्ते में रुकावट डाल रहे हैं उनको उन सीटों के वो अहल नहीं है उनको वहाँ से हटाया जाए और लोगों को सहूलत दी जाए, लोगों को डराया ना जाए। पख्तूनों को डराया जा रहा है,
मोहब्बे वतन बंगालियों को डराया जा रहा है, जो बशीर पाकिस्तान से बिहारी को लोग यहाँ के आबाद हुए उनको डराया जा रहा है, जो गिलगित के रहने वाले उनको डराया जा रहा है, पंजाब से जहाँ जो लोग आते हैं कराची में या कराची से कुछ लोग वहाँ चले जाते हैं उनको डराया, एक खौफ पैदा किया है नादरा ने, लोग डर रहे हैं, थाने से इंक्वायरियाँ कराते हैं, भाई तुम्हारा अपना इदारा है तुम खुद इंक्वायरी करो, तुम्हें क्या जरूरत है थाने के अंदर भेजते हो इंक्वायरी के लिए, वहाँ भत्ता चल रहा है, पैसे चल रहे हैं, एक शनाख्ती कार्ड बनाए गए 25,000 से लेकर 1,00,000 रुपये पुलिस मांगती है, तो ये कौन सा बड़ा काम कर रही है नादरा, बजाय हुकूमत के लिए आसानी पैदा करे, नादरा तो एक बहुत बड़ी रुकावट और एक ऐसा काम कर रही है जिससे हुकूमत के खिलाफ नफरत पैदा हो रही है, नादरा के चेयरमैन को चाहिए कि वो उस तरफ तवज्जो दे और ये रिश्वत का जो बाजार गर्म कर रखा है ये खत्म करें। पहले अगर किसी का कार्ड गुम हो जाता था तो 1 या 2 घंटे में मिल जाता था, अब इतने दिन क्यों लग जाते हैं? वही बात आ गई कि देखिए अब हो गया है कंप्यूटराइज सिस्टम, अब हर चीज़ कंप्यूटराइज सिस्टम से जाती है और फिर उसके बाद इसका एक सिस्टम है, प्रिंटिंग का सिस्टम है, क्वालिटी कंट्रोल है, इन चीज़ों से जब गुजरती है तो इसमें ज़ाहिर है वक्त लगता है, जबकि उस वक्त मैनुअल कार्ड होता था, ब्लैंक कार्ड आता था, लड़का उसी वक्त बैठ के लिखता था, चंद चीज़ें होती थी, डेटा कंप्यूटराइज नहीं था तो हार्डली आधे घंटे के अंदर हम कार्ड बनाकर दे दिया करते थे। देखने में ये भी आया है कि बाज़ औक़ात नादरा के अमले की गफलत और लापरवाही से शनाख्ती कार्ड बनाते हुए कभी तो नाम, कभी वल्दियत, तो कभी तारीख पैदाइश गलत इंदराज कर दी जाती है और ऐसे ही शनाख्ती कार्ड दे दिया जाता है और फिर जब आवाम इसकी दुरुस्तगी के लिए जाए तो बहुत से पापड़ बेलने पड़ते हैं। शनाख्ती कार्ड को दुरुस्त करवाने के लिए जाएँ तो बहुत दुश्वारी होती है, इस हवाले से आपका क्या कहना है? पॉसिबिलिटी टू वे होती है, जब आप किसी जगह पे हमारे सिस्टम में आते हैं प्रोसेस होने के लिए तो आपको वो फॉर्म जो है वो वापस दिया जाता है चेक करने के लिए और आपको 24 आवर्स दिए जाते हैं कि उसको टेस्ट करवा के ले आए, आपको कहा जाता है कि जी आप पढ़ लें इसको और इसको तस्दीक करें, ख़ुद भी साइन करें और तस्दीक करिंदा से भी साइन करवाएं और रीड ईच एंट्री केयरफुली, हमने नीचे एक सर्टिफिकेट भी दिया हुआ है कि मैंने ये पढ़ लिया है और हल्फिया मैं इतराफ़ करता हूं कि जो कुछ पर्टिकुलर्स हैं वो करेक्ट हैं। अभी मैं अगर मेरा नाम है या मेरी डेट ऑफ बर्थ है तो आई शुड बी नोइंग कि ये जो डेटा एंट्री ऑपरेटर ने बिकॉज ऑफ रश ऑफ वर्क या कुछ और वजह से या हो सकती है कंप्यूटर्स हैं उसमें, मैंने आपको बताया कि 885 हमारे डेटा एक्विजिशन यूनिट्स हैं तो उसमें किसी जगह पे अगर किसी का नाम या डेट ऑफ बर्थ या उसका एड्रेस गलत टाइप हो जाता है तो देन इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट इंडिविजुअल जिसको फॉर्म दिया जाता है वापस के जाएं इसको पढ़ें, तस्दीक करवाएं और फिर लेके आके जमा कराएं। जब वो हमारे पास फॉर्म जमा करवा देता है देन वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि इट इज़ ऑथेंटिक और ये बिल्कुल ठीक है, तो इसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो नहीं, हम नहीं कहते कि नहीं रहती, हमारी होती है, ऑफिस फॉल्ट हो सकती है लेकिन परसेंटेज बहुत कम है। मैंने आपको बताया कि 9 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास कार्ड्स हैं, उसके बाद POCs हैं, NICAPs हैं, फॉर्म बे हैं लोगों के पास। अभी रिसेंटली हमने पाकिस्तान कार्ड और वतन कार्ड सिस्टम जो चलाया था वो भी 12-12.5 लाख पाकिस्तान कार्ड हैं, 17-18 लाख के करीब वतन कार्ड हैं, तो ये सारे कार्ड्स मिल मिला के द परसेंटेज ऑफ फॉल्ट इज़ वेरी लेस, उसकी इस चीज़ को हाईलाइट करना कि ये गलती है तो इट्स नॉट गिविंग दैट क्रेडिट। देखिए ये बजाय वो माजरत खा हों कि उन्होंने गलती जो है वो नादरा वालों ने की है, माजरत के बजाय वो इंक्वायरी शुरू करा देते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा दो पख्तून जुड़वा भाई थे, उन्होंने उनकी शक्ल मिलती जुलती थी, एक का शनाख्ती कार्ड बना था दूसरा का नहीं बना रहे थे, उनके इत्तफाक की कुदरत ही फिंगरप्रिंट भी सेम आ रहे हैं, उनके वालदान पेश हुए, उनके सर्टिफिकेट पेश हुए, आज तक उन गरीबों का शनाख्ती कार्ड नहीं बनाया नादरा ने, तो ये कोई कारकर्दगी तो नहीं है, तो ये तो जहमत दे रहे हैं। तो ये जो मैं आपसे पहले कह चुका हूँ इस वक्त रिश्वत की वजह से ये तमाम तकालीफें पैदा हो रही हैं, जब तक चेयरमैन और वजारत दाखला खसूसी तवज्जो नहीं देगी, ये इदारा अवाम की अच्छाई के बजाय उसको जहमत दे रहा है और हुकूमत की बदनामी का सबब बन रहा है और उससे हुकूमत की बड़ी बदनामी हो रही है, अवाम उन्नास में नादरा के इदारे के खिलाफ शदीद नफरत पाई जाती है। आप बेशक चल के जाके पूछ ले किसी से भी, लोग नादरा से खुश नहीं हैं, उनकी कारकर्दगी से खुश नहीं हैं और जो उनका तरीक़ाकार है वो ऐसा है जैसे लोगों को वो ग़ुलाम समझते हैं, अपना नौकर समझते हैं, बजाय खिदमत करने के लोगों पर वो अजाब नादल किए हुए हैं उन लोग।
वोट कौमी फरीजा है। नादरा जिसके पास पहले ही काम की ज्यादती वोटर लिस्टों का काम भी नादरा के जिम्मे है, जिसकी वजह से वो मामूल का काम छोड़कर इसमें मसरूफ हो जाते हैं और परेशानी होती है आवाम को। वोटर लिस्टों की तैयारी भी नादरा को दी गई है, इस हवाले से क्या कहना है आपका? हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम पूरा मुकम्मल करके दे दिया वापस उनको। अभी वो इसको करके दोबारा प्रिंटिंग के लिए हमारे पास आएंगी और हम उनको दे देंगे। ये बहुत बड़ा जॉब था, बहुत बड़ा काम था, दुनिया का सबसे बड़ा काम था, जिसको इसकी क्लिनजिंग करना डेटा की और इसको डेटा बेस में लाना और इसको चेक करना कि प्रॉपर तरीके से जो एंट्रीज हैं, और ये भी इंश्योर करना कि कोई बंदा रह ना जाए। और आपने देखा होगा कि हमने एक सिस्टम जो बना के इलेक्शन कमीशन के पास है 8300 वाला, आप उस पर अपना नाम डालें, अपना आईडी कार्ड नंबर डालें, तो आपको पता चल जाता है कि किस जगह पे आपका वोट बना हुआ है और आपके पर्टिकुलर्स क्या हैं। अगर इस देयर सम प्रॉब्लम तो आप उसको हमें हाईलाइट करते हैं या इलेक्शन कमीशन को आप बताते हैं तो हम उसको ठीक कर देते हैं। इलेक्शन कमीशन का काम हमारे लोगों ने बड़ी डेडिकेशन के साथ और बड़ी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ 24 आवर्स काम किया। उसमें लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स हुए, हमारे लोगों को वो सेंटर्स हमें बंद करने पड़े, क्योंकि 24 घंटे जब हम काम करते थे तो हमें पर फोर्स सेंटर्स बंद करने पड़े। यही स्टाफ था जिसने उधर भी काम करना था और ये 24/7 ये काम करते रहे, ये हम शिफ्टों में काम करवाते रहे इनसे, और दे डिड इट इन टाइम, जो कि हमें एक टाइमलाइन दी थी उस पर हमने काम किया, अल्लाह का शुक्र है। और नादरा प्रूव्ड पे जो हमारी लोगों के दिलों में या आँखों में जो इज्जत है उसको हम बरकरार रख सकें। और कराची के वाले से मैं कहना चाहता हूँ, कराची में हमने इसको, कराची एक मल्टी एथनिक सिटी है, आपको पता है, इट्स ए मिनी पाकिस्तान पीपल कॉल इट, तो कराची के इश्यूज़ भी डिफरेंट हैं, टोटल डिफरेंट है। तो कराची को में बड़ा तरीके से हमने इसको हैंडल किया विदाउट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम। मैं कहता हूँ ये काम ही नादरा का है, नादरा को चाहिए कि उनको, अगर उनका डेटा बेस, वो दावा करते हैं कि उनका डेटा बेस कम्प्लीट है, तो पासपोर्ट जो उनका जो सेल है, इलेक्शन सेल, उन्होंने करना क्या है? 18 साल की उम्र के जो लोग हैं उनको उन्होंने वोटर लिस्ट में डालना है। और आज देख लीजिए जितनी भी नादरा के जरिए वोटर लिस्टें बनी हैं वो भी गलत, किसी का अगर मेरा नाम यहाँ डिफेंस के अंदर है तो मेरा नाम कहीं और इलाके में डाल दिया है, अगर किसी और, यहाँ तक के अगर मैं पीछे से ताल्लुक मेरा फर्ज करे कि सुबह सरहद से है तो मेरा जो मेरा वोट, मैं रहायशी यहाँ हूँ, पिछले 30 साल से मैं रह रहा हूँ, तो मेरे अगर किसी खाने में लिखा कि मेरी पैदाइश पेशावर में हुई थी तो पता लगा मेरा जो है वोट जो है वो पेशावर में डाल दिया। इस किस्म की धांधलियाँ की हैं ये, मैं समझता हूँ ये नादरा की एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी है। इस दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए मौजूदा हुकूमत को बहुत इनकलाबी इकदाम करने होंगे, वरना ये तो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रही है नादरा जो है। तो जी नाज़रीन, प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, मिलते हैं आपसे शॉर्ट ब्रेक के बाद। हुकूमत आवाम की सहूलत के लिए कौमी इदारा बनाती है जहाँ आवाम को अपनी ज़रूरत की चीज़ बआसानी और हुकूमत की फ़ीस अदा करके मिल जाए, मगर यहाँ भी एक माफिया काम कर रहा है जिसका कहना है कि वो जल्द और आसानी से काम कर देगा मगर खर्चा अलहदा देना होगा। एजेंट माफिया हर इदारे के बाहर नज़र आते हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ह्यूमन जिधर भी हैं उधर माफिया भी है, इंसान के साथ ये सब कुछ लगा हुआ है और लोग, पीपल ट्राई टू एक्सट्रैक्ट एवरीथिंग, उसमें कोशिश करते हैं लोग कि मैक्सिमम विदाउट डूइंग ए जॉब या विदाउट डूइंग हार्ड वर्क लोग कमाई करना चाहते हैं। लोगों को हमारे, क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो इलिटरेट है और वही लोग बाहर जाना चाहते हैं जो कि इधर पाकिस्तान में किसी वजह से समझते हैं कि मैं इधर सेट नहीं हो रहा, तो वो लोग मैक्सिमम वो हैं जिनको ये लोग फैसिलिटेट करते हैं कि जी मैं आपका काम करवा देता हूँ। दे कांट राइट, दे कांट रीड, तो वो उनको पढ़ के वो फॉर्म फिल करना सिखाते हैं, फिर उसको कहते हैं कि मैं आपको, बट दे डोंट मूव इन साइड, हमारे उसमें नहीं आते, सामने नहीं आते। वो उस बंदे को वो एक गलत तरीके से गाइड करते हैं उसको और पुट हिम और हर इन ट्रबल, और वो जो उनके साथ ज़्यादा वो चलता है
वो ट्रबल में चला जाता है। तो आप देखिए, आप किसी भी नादरा के ऑफिस के बाहर चले जाइए, धूप के अंदर छोटे छोटे बच्चे, औरतें, बूढ़े मर्द लोग खड़े हुए हैं, मरीज भी लोग खड़े हुए हैं, शिनाख्ती कार्ड बनाते ही नहीं है और खुद एयर कंडीशनर में बैठे हुए हैं। 12 बजे के बाद जरा वो खिड़की बंद कर दीजिए साहब, जरा वो खाना खा रहे हैं, कोई 3 बजे खोल रहा है, कोई 6 बजे खोल रहा है। एक मैं समझता हूँ कि अगर यही तरीकाकार हो तो बेहतर है कि इस इदारे को बंद कर दिया जाए, इस इदारे को ख़त्म कर दिया जाए। अगर इस तरह अगर वो लोगों को कह तो पाकिस्तान के 18 करोड़ लोगों को क्या फ़ायदा है? जहमत का इदारा 5-5 साल के लिए शनाख्ती कार्ड बनाया जाता है, 5 साल का फिर रिन्यू कराए, भाई 15 साल का शनाख्ती कार्ड बनाए, 10 साल का शनाख्ती कार्ड बनाए, ये 5 साल तो पलक झपकते ही गुजर जाते हैं। पता लगा पासपोर्ट 5 साल का वैलिड है, 4 साल का पासपोर्ट जो है वो उसकी वैलिडिटी ख़त्म हुई तो पता लगा शनाख्ती कार्ड ख़त्म होने वाला है। अब जब तक शनाख्ती कार्ड रिन्यू नहीं होगा, उसका पासपोर्ट रिन्यू नहीं होगा, जब उसका पता लगा उसका वीज़ा उसके अंदर लगा हुआ है, अगर कोई पाकिस्तान से मिडल ईस्ट से या यूरोप से या अमेरिका से कोई पाकिस्तानी यहाँ पाकिस्तान आ गया है और उसका वीज़ा पता लगा उसका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर है, वो चाहता है मैं पासपोर्ट को ऐसा ना हो कि अगले साल पासपोर्ट के लिए रिन्यूअल के लिए रिन्यूड शनाख्ती कार्ड चाहिए, उसको वहाँ से पता लगता है कि 6-6 महीने साल शनाख्ती कार्ड ही नहीं मिलता, कब तक वो आता जाता रहेगा? ये जहमत ही जहमत है। मैं इस वक्त मौजूदा नादरा के इदारे की शदीद मज़म्मत करता हूँ और हुकूमत वक्त से अपील करता हूँ, ख़ास तौर से नादरा के चेयरमैन और उनके कर्ता करता लोगों से अपील करता हूँ कि वो आवाम की इस तकलीफ़ को देखें और ऐसा न करें कि लोग जो है वह अपने इन मामलों को अपने हाथ में ले लें और फिर बाद में नादरा वालों को जहमत उठाना पड़े। एजेंट माफिया हर इदारे के बाहर नजर आते हैं, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? एजेंट माफिया तो देखिए उस इदारे में भी जाते हैं कि जहाँ पर आपका किसी से कोई ताल्लुक नहीं होता, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ऐसा कोई 1-8% ज़रूर होगा माफिया का कि जो अंदर के लोगों से मिला होगा, अदरवाइज़ अक्सरियत ऐसी नहीं है और ये एजेंट जो है वो अपना फ़ायदा उठाने के लिए ये चीज़ें लोगों को इस तरह से कह कर वो करते हैं। शिनाख्ती कार्ड बहुत ज़रूरी है, दर्जगाहों में दाखिला लेना हो या रोज़गार लेना हो, इसके हुसूल को इंतहाई आसानी के साथ साथ नादरा के निज़ाम में बेहतरी लाना बहुत ज़रूरी है। शिनाख्ती कार्ड की आसान दस्तियाबी और नादरा के निज़ाम में बेहतरी के लिए आप किस तरह देखते हैं? प्रोसीजर है, उसमें हमने अभी फैसिलिटेशन सेंटर्स बना दिए हैं अवामी मरकज़ में, ये हमने साइट एरिया में कराची के मुख्तलिफ जगहों पर मैंने हर सेंटर के साथ एक छोटा फैसिलिटेशन सेंटर भी बनाया। तो उसमें यह है कि वो डेडिकेटेड स्टाफ है जो कि इसको डील करता है, तो गलत अगर एंट्री हो गई है तो अगर वो जगह सही पे पहुंच गया बंदा तो वही उसको हम डील कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से। अगर वो नेचर ऑफ फॉल्ट देखी जाती है कि क्या है, अगर तो उसकी जो बंदा आया है वो हमारे साथ कुछ चलाकी करने की कोशिश कर रहा है तो वी गेट टू नो, हम उनको बताते हैं कि ये जो आपने जो इन्फॉर्मेशन पहले आपने ऑथेंटिकेट की थी अभी आप इसी को निगेट कर रहे हैं, वो तो उसके हिसाब से गलती है ना। हम अपने सिस्टम में चेक करते हैं, इट टेक्स वीक, इट मे टेक 1 मंथ, तो लेकिन रिजॉल्व हो जाता है। और अल्टीमेटली कम्स टू मी अगर कोई ज़्यादा सेंसिटिव इशू हो तो मेरे पास आता है, मेरे जो डायरेक्टर्स हैं उनके पास, हम उसको रिजॉल्व करते हैं। हमने बहुत ज़्यादा केसेस रिजॉल्व कर दिए हैं, एंड ऑफ द डे वो सिट टुगेदर हम देखते हैं कि कितने इश्यूज जो हैं वो अभी तक अनरिजॉल्व्ड हैं और कितने लोग हैं जो कि दे नीड्स टू बी हेल्प, तो उसको हम करते हैं। वी सेंड आवर टीम्स टू इस्लामाबाद जो कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट केसेज हैं, जो फंसे हुए केसेज होते हैं उनको फिर हम रिजॉल्व करवाते हैं, बट जो जायज़ काम है ना वो हो जाता है। वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो अपने कुछ इख्तियारात जो है वो नायब वज़ीर आज़म को ट्रांसफ़र करें और वज़ारत दाखला जो हमने मांगी है वो दें। अगर इंशाअल्लाह ताला वज़ारत दाखला मुस्लिम लीगी किसी रुकन को दी गई तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम खुद चौधरी परवेज़ रई साहब से, चौधरी शुजात साहब से, अपने लीडरान से, अपने कायदीन से रिक्वेस्ट करेंगे और वो हमारी रिक्वेस्ट को, हम जैसे कारकुनों की रिक्वेस्ट को वो सुनते हैं तो लिहाजा, और हमारी बड़ी इज़्ज़त करते हैं और मैं यकीनन कह सकता हूँ इंशाल्लाह कि हमारे कहने से ये जो लोगों को जहमत हो रही है इंशाल्लाह इसको ख़त्म करके दिखाएंगे आपको। शिनाख्ती कार्ड की आसान दस्तियाबी और नादरा के निज़ाम में बेहतरी के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए इकदाम तो ये दिन ब दिन हुकूमत ले रही है, पहले जितना से कार्ड बनता था दिन लगते थे, अब उसमें इन्होंने नए सेंटर्स बना दिए हैं, ऐसे सेंटर बना दिए हैं कि जहां आप ज़्यादा फीस दे के जल्दी कार्ड बना सकते हैं।
तो प्रोसीजर चाहे एक नॉर्मल कार्ड का हो या अर्जेंट कार्ड का होगा, प्रोसीजर तो एक है, लेकिन अब फीस जैसे आप देंगे उतनी जल्दी आपको ये कार्ड मिल सकता है। अगर आप एग्जीक्यूटिव सेंटर्स में जाएंगी आपको एक हफ्ते में कार्ड मिल जाएगा, और अगर आप नॉर्मल प्रोसीजर में जाएंगी तो डेढ़ महीना भी लग सकता है, एक महीना भी लग सकता है। तो देखा नाज़रीन, आवाम को क्या मसाइल हैं नादरा से। मसले मसाइल तो अपनी जगह मौजूद हैं, ज़रूरत है ईमानदारी और फर्ज शनासी की। जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे मुल्क में इनकलाब या बेहतरी नहीं आएगी। खैर, इस दुआ के साथ कि सलामत रहे पाकिस्तान, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।